और भाई लोग, क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया? तो यार, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वी आर नॉट अफेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, जिसे लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। ये कहानी यार बहुत ही मजेदार कहानी है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें उससे लड़ना चाहिए, और अगर आखिरी तक उस समस्या से हम अगर लड़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर जीतेंगे। ये काफी मोटिवेशनल चैप्टर है। तो चलो भाई, कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में हमारे नैरेटर गॉर्डन कुक अपनी फैमिली के साथ समुद्र यात्रा पर निकलते हैं, अपनी एक शिप लेकर। सबसे पहले मैं तुम्हें शिप के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उनके कुछ पार्ट्स के नाम बता देता हूँ, ताकि तुमको चैप्टर पढ़ने में दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। देखो यार, शिप कुछ इस ढंग का होता है, और इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, जिसमें ये कपड़ा लगा हुआ है, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग मेन मैस्ट बोलते हैं, और ये जो कपड़ा है इसको हम लोग स्ट्रॉम जिब बोलते हैं। इस कपड़े के पीछे ना एक डंडा लगाया होता है, ताकि कपड़ा को ना इधर से उधर घुमाया जा सके विंड के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग जिब बूम बोलते हैं। ये शिप का फ्रंट साइड है, जिसे हम लोग स्टार बोर्ड साइड बोलते हैं, और ये जो शिप का ऊपर वाला पार्ट है जिसपे हम लोग खड़े होते हैं, इसको हम लोग डेक बोलते हैं। तो ये यार शिप के कुछ पार्ट्स के नाम है जो तुम्हें याद रहने चाहिए, ताकि तुमको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलो यार, कहानी को शुरू करते हैं और एकदम मूवी की तरह देखते हैं, मजा आ जाएगा तुमको। जुलाई 1976, मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा जोनाथन जिसकी उम्र 6 साल थी, और मेरी बेटी सुजैन जो 7 साल की थी। हमने आज से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक द्वारा की गई विश्व भ्रमण की समुद्र यात्रा को दोहराने का निश्चय किया। हम पाइलमाउथ इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, और इसके लिए हमें एक प्रोफेशनल बोट चाहिए था। हमने 30 टन लकड़ियों से एक 23 मीटर लंबा बोट तैयार किया, जिसका नाम रखा वेव वॉकर। हमने महीनों तक इसकी टेस्टिंग और फिटिंग की, खराब से खराब मौसम में चलाया, ये देखने के लिए कि ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा पाएगी या नहीं। मैरी और मैं, जो कि एक 37 साल का ओल्ड बिजनेसमैन था, हमने अपने सपने को पूरा करने के लिए 16 साल तक ब्रिटिश के समुद्र में अपने स्किल्स को डेवलप किया। हमने वो हर छोटी से छोटी चीज़ सीखी जो हमें इस जर्नी को सफल बनाने के लिए सीखनी चाहिए थी। हमें ये पूरा सफ़र 3 साल में तय करना था, जिसका पहला पार्ट 1,05,000 किलोमीटर बड़ी ही आसानी से बीत गया। हम पाइलमाउथ इंग्लैंड से अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट केपटाउन पहुंच गए। केपटाउन पहुंचने के बाद हमने अपने मदद के लिए 2 प्रोफेशनल वेल ट्रेंड नाविकों को अपने साथ ले लिया। एक का नाम था लैरी वीगल, जो कि अमेरिकन था, और दूसरे का नाम था हर्ब सिगलर, जो कि एक स्विट्जरलैंड वासी था। क्योंकि अब हम लोग वर्ल्ड के सबसे खतरनाक समुद्र का मुकाबला करने जा रहे थे, द साउथर्न इंडियन ओशियन। हम लोग केपटाउन से ईस्ट की ओर चल पड़े। हमें केपटाउन से निकले बस 2 ही दिन हुए थे, और तेज हवाओं ने हमें तंग करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों तक ये तेज हवाएं यूं ही बहती रही। मुझे ये तेज हवाएं परेशान नहीं कर रही थी, मुझे डर लग रहा था तो बस उन ऊंची ऊंची लहरों से, जिसकी ऊंचाई कम से कम 15 मीटर थी, जितनी हमारे बोट की मेन मास्ट की ऊंचाई थी। ये एक चेतावनी थी। 25 दिसंबर तक हम लोगों ने केपटाउन से ईस्ट की ओर 3,500 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। खराब मौसम होने के बावजूद हमने अपना क्रिसमस बहुत ही शानदार तरीके से मनाया। नए साल के दिन तक भी मौसम में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने अनुमान लगाया कि जल्द ही मौसम बदल जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। मौसम बदल तो गया, लेकिन ठीक होने के बजाय और ज्यादा खराब हो गया। 2 जनवरी को लहरों ने विशाल रूप धारण कर लिया। हमारे पास बस एक छोटा स्टॉर्म जीप था, लेकिन फिर भी हम बड़ी ही तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे थे। हमारी स्पीड लगभग 8 नॉट्स थी। हवाएं इतनी तेज थी कि कानों में दर्द शुरू हो गया। नाव को धीमा करने के लिए हमने स्टॉर्म जीप को गिरा दिया, और शिप के पिछले हिस्से को हमने रस्सी से बड़ी ही मजबूती से बांध दिया, और फिर सभी चीजों को दोबारा से कस के बांध दिया। हमने लाइफ राफ्ट, ड्रिल्स, ऑयल स्किन्स, लाइफ लाइन्स और लाइफ जैकेट्स भी पहन ली। हम अब पूरी तरह से उन लहरों का सामना करने के लिए तैयार थे। शाम के 6 बज गए थे, और सब चीज एकदम शांत हो गया। हवाएं थम सी गई, लहरें शांत हो गई, और आसमान एकदम काला पड़ गया, मानो ये तूफान से पहले की शांति थी। शिप के पीछे बहुत बड़ा बादल मंडरा रहा था, शायद ये बादल था ही नहीं, ये तो लहरें थी, मामूली लहरों से दुगनी और डरावनी, जो बड़ी ही तेजी से हमारी ओर बढ़ती जा रही थी। आसमान गरजने लगा। शिप का पिछला हिस्सा लहरों की ओर था। मुझे लगा हम उसके ऊपर से निकल जाएंगे, लेकिन एक बहुत ही भयंकर धमाका हुआ और सब चीज तहस नहस हो गया। शिप पूरी तरह से टूट गया। मेरा सर जाके व्हील से टकरा गया, और मैं बोट के बाहर जा गिरा। मैं लहरों के अंदर डूबता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मौत मेरे बहुत ही करीब है। मैं धीरे धीरे अपना होश खोता जा रहा था और एकदम शांत महसूस कर रहा था, पर अचानक से मेरा सिर पानी से बाहर आया। मेरी जहाज वेव बॉलकर मुझसे कुछ ही मीटर दूरी पर थी, पर वो भी उल्टी हो चुकी थी। तभी एक लहर आई और मेरी जहाज फिर से सीधी खड़ी हो गई। मेरी लाइफलाइन अभी भी शिप से बंधी हुई थी। जैसे तैसे उसे घींचा और शिप पे वापस जा गिरा।
सिप पे पानी भर चुका था। पानी की लहरें मुझे कपड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर पटक रही थी। मेरी लेफ्ट रिब्स टूट चुकी थी, मुंह से खून आ रहा था, दांत भी टूट चुकी थी, पर जैसे तैसे करके मैंने स्टीयरिंग व्हील को संभाला ताकि नाव का पिछला हिस्सा फिर से आने वाले लहरों का सामना कर सके। चारों ओर पानी ही पानी था। मुझे ऐसा लगा कि सिप के निचले हिस्से में भी पानी भर गया है, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्हील को छोड़कर नीचे जाकर देख सकूं। तभी अचानक सामने का दरवाजा खुला और मैरी दिखाई पड़ी। हम डूब रहे हैं, वो चिल्लाई। देख चकनाचूर हो गया है, हम पानी में लबालब हैं। तुम व्हील संभालो। मैं दरवाजे की ओर बढ़ते हुए चिल्लाया। नीचे जाते से ही मैंने देखा लैरी और हर्ब पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे। शिप का अगला हिस्सा दब चुका था और जगह जगह से पानी अंदर आ रहा था। कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन और खिलौने वगैरह पानी में इधर उधर तैर रहे थे। जैसे तैसे तैरते रेंगते हुए मैं बच्चों की केबिन तक पहुंचा और उनसे पूछा, क्या तुम लोग ठीक हो? हाँ, लेकिन मेरा सर दुख रहा है। मेरी बेटी सुजैन ने अपने आंखों के ऊपर सर पे लगे हुए चोट को दिखाते हुए बोला, पर मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं उसको ठीक से देख सकूं। मैंने हथौड़ा, पिंच और कुछ कपड़े लिए और डेक पर वापस जाके स्टारबोर्ड साइड का टूटा हुआ हिस्सा बनाने में लग गया। अगर मैं उसे ठीक नहीं करता तो हम शायद सच में डूब जाते, क्योंकि हर एक लहरों के साथ पानी अंदर आता जा रहा था। जैसे तैसे मैंने होल्स को बंद किया। थोड़ा मोरा पानी अब भी अंदर आ रहा था, बट ज्यादातर पानी एक और साइड होने लगा। कहते हैं ना, समस्या आती है तो चारों ओर से आती है, और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। मलबों के कारण इलेक्ट्रिक पंप्स खराब हो गए, हैंड पंप्स ब्लॉक हो गए और पानी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। डेक पे वापस आने पर पता चला हमारे दो स्पेयर हैंड पंप्स और जितने भी बाकी जो चीज थे वो सब के सब चीज टूट चुकी थी, खराब हो चुकी थी। तभी मुझे याद आया कि हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रिक पंप भी है जो चार्ट रूम में रखा हुआ है। हमने उसे बाहर पाइप से जोड़ दिया और भगवान का लाख लाख शुक्र था कि ये अब भी काम कर रहा था। रात भर हम पानी निकालते रहे, रेडियो सिग्नल्स भेजते रहे, लेकिन हमें कोई भी जवाब नहीं आया। और जवाब आता भी कैसे, हम समुद्र के बीचों बीच थे। शिव का सर सूज चुका था, दोनों आंखें काली पड़ चुकी थी और उसके आर्म्स पर भी एक बहुत बड़ा कट था। मैंने उससे पूछा, तुमने मुझे पहले अपनी बाकी चोटों के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम लोग को बचाने में लगे हुए थे। 3 जनवरी के सुबह तक पानी हमारे कंट्रोल में आ चुका था। हम अब 2-2 घंटे करके रेस्ट ले सकते थे, लेकिन अभी भी वाटर लाइन के नीचे एक बहुत बड़ा लीकेज था। देखने पर पता चला कि वो लीकेज बोट के मेन रिप फ्रेम में था। उस भयानक लहरों को टकराए हुए 15 घंटे बीत चुके थे और हम लोग अब भी जिंदा थे। हमारी शिप वेव वॉल कर पूरी तरह से टूट चुकी थी और अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके। मैंने चार्ट्स को चेक किया, अपने सारे कैलकुलेशन किए और फिर मुझे पता चला कि हमारे बस कुछ ही 100 किलोमीटर ईस्ट में 2 आइलैंड हैं, जिसमें से एक आइलैंड का नाम था इले एम्स्टरडैम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। अब बस हमारे जिंदा बचने का एक ही मात्र उम्मीद बच गया था, वो आइलैंड जिसका नाम था एम्स्टरडैम। लेकिन जब तक हवा और सागर शांत नहीं हो जाते, हम अपना सेल नहीं खोल सकते थे। हमारे बचने के चांसेस बहुत ही कम थे, क्योंकि उस लहर की वजह से हमारा इंजन भी खराब हो गया था। 4 जनवरी, उस भयंकर लहर को टकराए हुए 36 घंटे बीत चुके थे और हम अब भी पानी को बाहर निकालने में जुटे हुए थे। अब बस कुछ ही सेंटीमीटर तक पानी बच गया था। हवा और लहरों के कारण हमारा जहाज पूरी तरह से इधर उधर बिखर जाता। उसे बचाने के लिए और आइलैंड पे पहुंचने के लिए हमने फिर से स्ट्रॉम जीप को लगा दिया। मैरी को कुछ क्रॉन, बीफ, क्रैकर और बिस्किट्स मिली और 2 दिन बाद इतनी समस्या झेलने के बाद हमने अपना पहला भोजन किया। लेकिन हमारे जीवन का सुकून बस कुछ ही पल का था। 4 बज चुके थे और काले बादल फिर से मंडराने लगे। कुछ ही घंटों में हवा 40 नॉट की रफ्तार से आ गई, समुद्र में लहरें तेज हो गई, रात भर मौसम लगातार खराब होता जा रहा था और हम एक से एक चुनौतियों का सामना कर रहे थे। 5 जनवरी की सुबह हमें सिचुएशन कुछ ठीक ठाक लगा। मैं बच्चों को कंफर्ट कराने के लिए उनके कैबिन में गया। तभी मेरे बेटे जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी क्या हम लोग मरने वाले हैं? मैं उनको आश्वासन दिलाने लगा कि हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। डैडी मुझे ना मरने से डर नहीं लगता, अगर हम लोग एक साथ साथ रहे तो, आप, मैं, मम्मी और सू। मेरे पास उसे कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। मैं केबिन से बाहर आ गया और मैंने ठान लिया कि अब चाहे जो हो जाए मुझे इन्हें बचाना ही होगा। मुझे समुद्र से लड़ना होगा, मुझे कैसे भी करके उन टापू पर पहुंचना होगा।
उनको बचाने के लिए मैं बोट की मरम्मत करने में जुट गया। स्टार बोट साइड में जितने भी होल्स थे मैं उनको बंद करने लगा। नायलॉन की मोटी रस्सी से मैं जगह जगह बांधने लगा। उस शाम मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठ गए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आता जा रहा था और हमें यह महसूस होने लगा कि हमारा अंत निकट है। लेकिन हमारा जहाज वेव बॉल कर स्ट्रॉम से बाहर आ गया था। 6 जनवरी की सुबह तक हवा शांत हो गई थी और विंड की स्पीड्स को कैलकुलेट करने लगा। मैंने कैलकुलेशन करने में अपना पूरा एफर्ट लगा दिया और फिर अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देने के बाद मुझे यह पता चला कि 1.5 लाख किलोमीटर के इस पूरे समुद्र में कहीं पर 65 किलोमीटर क्षेत्रफल का एक आइलैंड है। मैं ये सोच रहा था कि मेरी बेटी सू कितनी तकलीफ में होगी। उसका सर सूजता जा रहा था। वो मेरे पास आई और मुझे एक कार्ड दिया। कार्ड के ऊपर मैरी और मेरी कुछ फनी तस्वीर बनाई हुई थी। क्या आपको इसे देखकर हंसी आ रही है डैडी? मैं बहुत हंसा। उस कार्ड के अंदर एक मैसेज भी था। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए थैंक यू कहने के लिए मैंने आपको ये कार्ड दिया है और मैं आशा करती हूँ कि हमारे साथ अच्छा ही होगा। इस चीज ने मुझे फिर से मोटिवेट कर दिया। मैंने अपने कैलकुलेशन को फिर से चेक किया, बार बार चेक किया। हमारा मेन कॉम्पास खो चुका था। मैं स्पेयर का यूज कर रहा था जिसके मैग्नेटिक वेरिएशन सही नहीं थे। मैंने हिंद महासागर के इस भाग में बहने वाली पश्चिमी धाराओं का अनुमान लगाया। करीबन दोपहर के 2 बजे मैं डेक पर वापस गया और लैरी से कहा कि बोट को 185 डिग्री मोड़ दो और अगर हम लकी हुए तो 5 बजे शाम तक हम लोग आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। जिसकी उम्मीद तो मुझे कम है लेकिन फिर भी हम भरोसा रख सकते हैं। और मैं भारी मन से नीचे गया और नीचे जाकर सो गया। मैं शाम के 6 बजे के करीब उठा। अंधेरा हो चुका था। मैं समझ गया था कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया और अब इस तूफान से तो हम बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते थे। तभी अचानक से मेरा बेटा आया और मुझसे बोला, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? मेरी बेटी सुजैन जस्ट उसके पीछे थी। लेकिन तुम मुझे अभी गले क्यों लगाना चाहते हो? क्योंकि आप दुनिया के बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन भी। नहीं बेटा, आज तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। लेकिन क्यों, आपने तो आइलैंड ढूंढ लिया, मेरी बेटी सुजैन ने बोला। मैं एकदम से शॉक्ड हो गया। क्या? मैं दौड़ कर डेक पर गया और मेरे सामने जो आइलैंड था जिसका नाम था एम्स्टर्डम, उसको एक टकी लगाकर देखने लगा। वो केवल एक ज्वालामुखी से उभरा हुआ चट्टान था जिस पर बहुत सारे वनवासी रहते थे। हमने अपनी पूरी रात उस छोटे से टापू के किनारे बिताया और अगली सुबह 28.5 लोग हमारी मदद के लिए आ गए। जमीन पर कदम रखते ही मैं लैरी और हर्ब के बारे में सोचने लगा जिन्होंने इस मुश्किल समय में भी अपनी बहादुरी दिखाई। मैं अपनी पत्नी मैरी के बारे में सोचने लगा जिसने इस संकट की घड़ी में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और इन सब से ज्यादा मैं अपने 7 साल की बेटी के बारे में सोचने लगा जिसने अपने चोट के बारे में मुझे बताकर चिंता नहीं जताई। वो मुझे अपने बारे में बताकर टेंशन देना नहीं चाहती थी। बाद में उसके सर पर जमे हुए खून को निकालने के लिए 6 छोटे-छोटे ऑपरेशंस करने पड़े और मेरा 6 साल का बेटा जिसे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि वो आइलैंड सिर्फ मैंने ढूंढा है। वो आइलैंड इन सब ने मिलकर ढूंढा है। वो हमारा जीवन था जिसका नाम था एम्स्टर्डम। देखो यार, संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो अपनी पूरी ताकत लगाओ और उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करो। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक ना एक दिन तुम उस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे। खैर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। वैसे कुछ होना तो नहीं चाहिए जो तुम्हें समझ में ना आया हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करो। मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और हाँ यार, अगर तुमने अपने भाई का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब मारो, फ्री का है, कर लो। चलो तो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।